उत्तराखंड अचीवर और आपकी फॉरेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे जनन होती क्या चीज है। जो पहले से ही कोई जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है उसको जनन कहते हैं। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस होता क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जो जनन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक एक होता है लैंगिक, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अलैंगिक होता क्या चीज है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस भी रिप्रोडक्शन में, जिस भी प्रजनन में सिर्फ एक ही पेरेंट आवश्यक होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, जिस भी जनन में, ठीक है, जिस भी रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, उसको कहते हैं लैंगिक या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ छह तरीके से होता है। ठीक है, एक एक करके सबको जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है विखंडन, उसे कहते हैं विखंडन या फिर बाइनरी, स्पेशली क्या कहते हैं इसको, फीजन। ठीक है, अब फीजन होता क्या है, अब एक जो पेरेंट न्यूक्लाई होती है या पेरेंट सेल होता है वो अपने जैसे दो सेलों को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपके पास ये सेल है और ये अपने आप ही जैसे दो सेल बनाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फीजन बोलेंगे। ठीक है, अपने ही जैसे सेल को बनाना फीजन। ठीक है, अब जो ये फीजन होता है वो स्पेशली कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है द्वि, ठीक है, द्वि विखंडन, एक होता है बहु खंडन। ठीक है, एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। ठीक है, अब देखो द्विखंडन में क्या होता है, स्पेशली जो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है वो द्विखंडन का है या फिर बाइनरी फीजन का है। अब मल्टीपल फीजन क्या होता है, जैसे आपके सामने ये फिगर आ रहा होगा, तो मल्टीपल फीजन स्पेशली होता क्या है, जब कोई एक सेल उसके अंदर काफी सेल्स क्या हो जाती है, बन जाती है, उसका क्या होता है, जो लास्ट का सेल है वो क्या, मतलब जो लास्ट की लेयर है वो बस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है। जब उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, वो बस्ट हो जाएगी और अपने जैसे बहुत सारे सेल्स को क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास वो है विखंडन, विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये फ्रेगमेंटेशन दिखाता कौन है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, और ये कौन दिखाता था, एमीबा। ठीक है, पैरामीशियम लेस्मेनिया, लेस्मानिया। ठीक है, जो लेस्मेनिया स्पेशली होता है वो लेस्मेनिया क्या करता है, काला आजार या फिर ब्लैक फीवर करता है। ठीक है, उसके कारण ब्लैक फीवर स्पेशली होता है, और ये जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब देखो स्पाइरोगायरा का सामने एक फिगर आ रहा होगा। ठीक है, पूरी बॉडी है वो किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, और ये छोटे छोटे टुकड़े कुछ टाइम बाद क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े पूरी होल बॉडी बना देंगे। विखंडन हुआ इनका। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरी की पूरी बॉडी बना देंगे। ठीक है, आपके सामने फिगर है वह स्पाइरोगायरा का। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है रीजनरेशन, पुनर्जनन। ठीक है, अब पुनर्जनन दिखाता कौन कौन है, प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके वो आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये फिगर आ रहा है प्लेनेरिया का। ठीक है, अगर इनकी बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाता है तो ये इतने कैपेबल होते हैं कि अपनी पूरी बॉडी को दोबारा जनरेट कर लें। ठीक है, इसलिए नाम क्या है, रीजनरेट करना, दोबारा अपनी पूरी बॉडी को बनाना। तो ये कौन कर पाता है, प्लेनेरिया कर पाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है
वो है आपके पास भी जानोगे फिर सर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है स्पोर फॉर्मेशन भी जानो, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्पेशली स्पोर्स बनते हैं और ये दिखाता कौन है, इसको दिखाती है ईस्ट, ईस्ट हो गए हमारे फंस हो गए, इसमें कौन जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ठीक है, जिनको ट्रेडोफाइट्स बोलते हैं ठीक है, वो क्या करते हैं इस प्रोसेस को दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे राइजोबस आप पास मतलब फंगस है जो आप सबने देखा है सुना होगा राइजोबस के बारे में, जो ब्रेड के ऊपर लगता है, ये क्या करता है बहुत सारे मतलब आपके सामने जो ये फिगर आ रहा है ये क्या करता है स्पोर्ट्स को, जो स्पोर्ट्स हैं उसे क्या करता है, जैसे उसको एनवायरनमेंट मिलता है इस स्पोर्ट्स को क्या करता है बस्ट करता है, पूरे एनवायरनमेंट में डाल देता है और अपने जैसे बहुत सारे फंगस को क्या करता है जनरेट करता है, ठीक है। तो ये था क्या था आपके पास स्पोर फॉर्मेशन था, ठीक है। अब इसके बाद आता है बडिंग मुकुल्लन, क्या होती है बडिंग मुकुल्लन, इसमें ये कौन दिखाता है स्पेशली हाइड्रा दिखाता है, ठीक है। अब होता क्या है आपके सामने ये हाइड्रा का फिगर आ रहा है, ये करता क्या है स्पेशली इसकी बॉडी से एक जगह पे कोई बड आ जाती है, ठीक है दिख रही है आपको बड आई हुई, और ये बड उस टाइम बाद अपने आप को मायोटिक, मायोटिक क्या करके सेल डिवीजन करके उसके अंदर सेल डिवीजन होके ये क्या करती है अपनी पूरी होल बॉडी बना देती है, और जैसे ही इसकी पूरी बॉडी बन जाती है ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और नया कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है अपने आप को, मतलब अलग हो जाती है उसकी बॉडी से, ठीक है। ये किसके बारे में था आपके पास बडिंग के बारे में था। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ब्रायोफाइलम, फाइलम या फिर कायिक प्रवर्धन, ठीक है कायिक प्रवर्धन, ठीक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन, और ये दिखाता कौन है स्पेशली ब्रायोफाइलम दिखाती है। अब आपके सामने एक फिगर आ रहा है ये है ब्रायोफाइलम, ये क्या करती है कोई भी स्पेशली ये फिगर तो ब्रायोफाइलम का है, ठीक है। आप मनी प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप किसी अदर मनी प्लांट को अगर काट दो किसी भी पोर्शन से काट दो तो पूरा पेड़ बना देता है, ठीक है। सिमिलरली आप रोज का एग्जांपल ले सकते हो, आप रोज की स्टेम काटते हो पूरा बड़ा रोज हो जाता है, ठीक है। आप आलू का एग्जांपल ले लो, आलू पे जब क्या आते हैं वो व्हाइट व्हाइट करके जो उसके क्या बोलते हैं स्पेशली आंख होते हैं ना तो वो आती है, तो उसके बाद क्या होता है पूरा बड़ा आलू रिप्रोड्यूस हो जाता है कि बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या है किसी भी पुराने वेजिटेटिव से नया वेजिटेटिव बनाना, इसको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। आपके पास इसके बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर